नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदुल चंदेल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट पब्लिश होने के संबंध में बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वानखेड़े दंपति ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के जाने पर रोक लगाने के लिए निर्देशित करने की मांग की है। दरअसल क्रूज ड्रग केस के बाद से शुरू हुई बयानबाजी अब भी सोशल मीडिया पर जारी है। इसको लेकर एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े ने कोर्ट का रुख किया है और सोशल मीडिया पर जारी बयानबाजी को लेकर एनसीबी मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी ने मुंबई के डिंडोशी में सिटी सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक और ट्विटर को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री दिखाने या प्रकाशित करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। आपको बता दें कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी ने पिछले महीने कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। कई दिन जेल में रहने के बाद आर्यन को बेल मिलने के बाद रिहाई मिली। इस दौरान महाराष्ट्र एनसीबी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनमें उनकी जाति और सरकारी नौकरी पाने को लेकर सवाल उठाना भी शामिल था। हालांकि समीर वानखेड़े ने मलिक के तमाम आरोपों को झूठा बताया है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि अब वो वानखेड़े फैमिली के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सीधे तौर पर या फिर इशारों में वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाएगी। बता दें कि नवाब मलिक ने कुछ दिन पहले समीर की माँ जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट साझा किया है। नवाब का दावा है कि उनकी मां मुसलमान थी और उन्हें ओशीवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है वानखेड़े परिवार ने जाहिदा के दो डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाए हैं, एक वो मुस्लिम और जबकि दूसरा हिंदू बनवाया है। समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाल अपील की थी कि नवाब मलिक द्वारा उन पर और उनके परिवार के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी की जाएगी। उन्होंने इस पर रोक लगाने की अपील की थी। अब वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।